नमस्कार, गुड इवनिंग। INI न्यूज में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं प्रीति सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। छत्तीसगढ़ में शिक्षा अधिकार अधिनियम की धज्जियां उड़ा रहा है निजी स्कूल का संचालक। फीस नहीं पटा पाने के कारण बच्ची को किया परीक्षा से बेदखल। छत्तीसगढ़ में जिला मुख्यालय का प्रत्येक विद्युत उपभोक्ता है कर्जदार। बिजली बिल पटाने में नहीं रुचि, वही विभाग सख्त कार्रवाई की तैयारी में। आगरा में मोटरसाइकिल पर सवार दंपत्ति की ट्रैक्टर से टकराने से हुई दर्दनाक मौत। और बिहार में दरोगा का बेटा हुआ 25 बोतल शराब के साथ गिरफ्तार। दरोगा ने वर्दी की लाज रख खुद पुलिस को दी सूचना। सरकार ने शिक्षा का अधिकार अधिनियम लागू कर दिया है। इस नियम के तहत कोई भी स्कूल बच्चों के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकते और ना ही उन्हें स्कूल से बेदखल कर सकते हैं। पर न्यू लाइफ इंग्लिश मीडियम की स्कूल ने तो सरकार के नियमों को ठेंगा दिखा दिया है। छत्तीसगढ़ के पत्थलगांव निवासी मनोज अग्रवाल गरीब व्यक्ति है। उनकी लड़की क्लास 1 में पढ़ती है। न्यू लाइफ स्कूल के संचालक का दादागिरी इस कदर बढ़ गया है कि फीस नहीं पटा पाने के कारण उसने मासूम को परीक्षा में बैठने नहीं दिया। वहीं विकास खंड शिक्षा अधिकारी ने नाराजगी जाहिर करते हुए जांच कर कार्रवाई की बात कह रहे हैं। ये अभिभावक ने शिकायत की थी, दूसरा बार है ये परीक्षा बैठने नहीं दिया जा रहा है, फीस नहीं पटा है। तो शिक्षा का अधिकार है इस टाइप के छोटे बच्चों को प्रताड़ित, किसी भी बच्चों को प्रताड़ित करना, परीक्षा वंचित करना नियम के विरुद्ध है। संसद प्रमुख को सोचना चाहिए। इनका रिजल्ट इस प्रकार की स्थिति है, फीस नहीं पटा है ना, तो रिजल्ट रोक दिया जाए, बालक को बुलाया जाए तब किया जाए। परीक्षा किस प्रकार सुनिश्चित नहीं किया जा सकता। छोटी सी मासूम बच्ची है, इनके मानसिक कोमल भावना पर क्या असर पड़ता होगा ये समझा जा सकता है। सब बच्चों के सामने प्रताड़ित है, परीक्षा नहीं बैठ पा रही है। सर मेरा पहले तो इनका बात हुआ था सर मार्च क्लोजिंग में पेमेंट देने का, फिर बाद में अचानक इनसे फोन में बात हुआ तो बोला नहीं अभी पेमेंट करवाइए, मैं गरीब आदमी कहाँ से पहुँचूंगा सर तत्काल में। तो परीक्षा में बैठने नहीं दिया गया सर। मैं इनको बोला भी ये बात नहीं देना सर, डिटेल भी नहीं देना सर। मैं आज आया था ऑफिस तो मैं अपना भाई जो फीस बकाया उसका डिटेल दीजिए, बोलना सर डिटेल नहीं है बोलते हैं हमारे पास। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा जिला मुख्यालय के लोग बिजली बिल पटाने में कोताही बरत रहे हैं। यही वजह है कि मुख्यालय में 4 करोड़ का बिल बाकी है। इसकी भरपाई के लिए विभाग के कर्मचारी मेटाडोर लेकर घर घर जा रहे हैं। जो उपभोक्ता बिजली का बिल नहीं पटा रहे हैं उनका कनेक्शन काटा जा रहा है। बीते एक माह के भीतर विभाग द्वारा 3000 कनेक्शन काटा जा चुका है, वही यह सिलसिला जारी है। दरअसल जिला मुख्यालय में 12,000 विद्युत उपभोक्ता है। जांजगीर में हर माह उपभोक्ता 1 करोड़ का बिजली बिल उपयोग करते हैं। इतने उपभोक्ता में तकरीबन 25% उपभोक्ता हर माह बिजली बिल सही सलामत नहीं पटाते। यह बिल बढ़ते बढ़ते 4 करोड़ तक जा पहुंचा है। 4 करोड़ को 12,000 घरों में बांटा जाए तो 3,333 रुपए प्रत्येक घरों में बकाया हो रहा है। इसकी भरपाई के लिए विद्युत विभाग के अफसर लगातार डिफाल्टर उपभोक्ताओं के घर में खाक छान रहे हैं, लेकिन वे बिल पटाने कोताही बरत रहे हैं, जिसके चलते विभागीय अधिकारियों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इधर विभागीय कर्मचारियों पर राज्य स्तर पर दबाव बनाया जा रहा है, जिसके चलते उपभोक्ताओं पर अधिकारी दबाव बना रहे हैं। जांजगीर जिले में नैला जोन के हमारे अंतर्गत लगभग 4.5 करोड़ रुपये बकाया राशि वसूलना बाकी रह गया है। इसमें लगभग 1 करोड़ रुपया गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है, जिसमें नगर पालिका भी सम्मिलित है, और 2 करोड़ प्राइवेट कंज्यूमरों पे है, और 1 करोड़ नगर पालिका के आसपास नगर पालिका के विरुद्ध में है। नगर पालिका वालों को हम लोगों ने अभी नोटिस जारी कर दिया है, और इसके लिए प्रशासन से भी निर्देश हैं कि इसका पैसा तुरंत राज्य स्तर से रिलीज हो जाएगा। और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए हमने अभी सभी डिपार्टमेंट को नोटिस जारी किया हुआ है, और भुगतान की हमने रिक्वेस्ट किया है। अगर समय पे भुगतान प्राप्त नहीं होता है तो शासकीय कनेक्शन भी काटे जाएंगे। आम उपभोक्ताओं के लिए भी हमने अभी नोटिस जारी किया है, 15 दिन का नोटिस देने का नियम है। वो नोटिस की समय सीमा समाप्त हो चुकी है, और इसके लिए डिस्कनेक्शन गैंग तैयार हो चुके हैं और कार्रवाई अभी प्रारंभ कर दी गई है। झारखंड के लातेहार जिला अंतर्गत बहुप्रतीक्षित टोरी लोहरदगा रेल लाइन में पहली बार पैसेंजर ट्रेन दौड़ी। पूर्व रांची रेलवे स्टेशन से रेल मंत्री सुरेश प्रभु ने ऑनलाइन उद्घाटन किया, और साथ ही मुख्यमंत्री रघुवर दास समेत अन्य लोगों ने हरी झंडी दिखाकर रांची स्टेशन से पैसेंजर ट्रेन को रवाना किया। वहीं लोगों ने पीएम मोदी, रेल मंत्री और झारखंड के सीएम के लिए जिंदाबाद के नारे लगाए और धन्यवाद दिया। ट्रेन रांची से भया लोहरदगा होकर अपराह 3:15 बजे दुल्हन की तरह सजी टोरी स्टेशन पहुंची।
टोरी पहुंचते ही लोगों ने हाथ हिलाकर ट्रेन का स्वागत किया। इसके पूर्व हजारों की संख्या में लोग ट्रेन का इंतजार कर रहे थे। जैसे ही ट्रेन टोरी स्टेशन पहुंची, लोगों का हुजूम दौड़ पड़ा, लोग ट्रेन को माला पहनाने लगे। वहीं पंडित जी ने पूजा अर्चना की और शंख बजाकर ट्रेन का स्वागत किया। ग्रामीणों में काफी खुशी देखी गई। लोग इतने खुश थे कि वो अपना बयां खुशी जाहिर कर दे रहे थे। लोगों ने पीएम मोदी, रेल मंत्री सुरेश प्रभु और झारखंड के सीएम रघुवर दास जिंदाबाद के नारे लगाए और धन्यवाद दिया। 21 साल पहले जो हम लोगों ने आंदोलन छेड़ा था लोहरदगा की जनता के समर्थन से, वो आज सपना साकार हुआ और ये पल को भूल पाना हम लोग के लिए बहुत ही मुश्किल है। एक सुनहरा, एक गोल्डन पीरियड था जो आज हम लोग को देखने को मिला। ये सब बाधा को दूर करते हुए जनता की सेवा के लिए पैसेंजर बहुत शीघ्र ही चला दिया गया। समय सारणी तो इससे तो ऐसा कुछ विशेष फायदा नहीं है, इसमें अंतर होना चाहिए। और भी विशेष गाड़ियां चलेगी तो आपको समय सारणी अच्छा मिल जाएगा। जनता को इतनी खुशी हुआ कि जगह जगह में देखने की बहुत आनंद, तालियां बाय बाय करते हुए नजर आए महिलाएं, पुरुष, छोटे बच्चों, बाल बुजुर्गों ने, और बहुत खुशी मिला इसमें। INI न्यूज के साथ लतेहार से मनोज मेहता की रिपोर्ट। आजादी के लगभग 70 साल के बाद पहली बार गिरिडीह के डुमरी प्रखंड के प्रकृति की गोद में बसा और जंगल की घनी तथा नक्सल प्रभावित छछंदो पंचायत के टेसाफुली गांव में पूरा जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन संयुक्त रूप से इस क्षेत्र के विकास हेतु 18 मार्च को गरीब कल्याण मेला के बहाने पहुंचेगा। आपको बता दें कि टेसाफुली गांव पठारी में बसा हुआ है, जहां आज भी लोग पगडंडी में चलने को मजबूर हैं, क्योंकि यह गांव में सड़क ही नहीं है। दुख की बात तो यह है कि इस गांव के चारों तरफ कई नाले हैं, लेकिन जहां आबादी है वहां पानी नहीं है। लोग नाले के पानी को ही पेयजल के रूप में उपयोग करते हैं, जिसके कारण कभी कभी लोग मलेरिया से ग्रसित होने को मजबूर हो जाते हैं। अब देखना है कि विकास के लिए चिंतित गिरिडीह उपायुक्त और पुलिस कप्तान की पहल से यह क्षेत्र विकास के रफ्तार में कहां तक जा पाएगा और क्षेत्र के लोगों को कितना लाभ मिल पाएगा। आपको बता दें कि 18 मार्च को जिला प्रशासन द्वारा डुमरी के नक्सल प्रभावित टेसाफुली गांव में गरीब कल्याण मेला का आयोजन किया गया है, जिसमें पूरे जिले का हर विभाग टेसाफुली पहुंचकर ग्रामीणों की समस्याओं पर हाथों हाथ त्वरित कार्रवाई करेगा। जितना भी है, मतलब 24 साल हो रहा है इसकी नजर में, तभी तक कोई विकास नहीं देखे हम। जीरो में है जो चीज अपने की रोड तो वहाँ भी जाते हैं, वो तो हम लोग चंदा करके किए 100 रुपए करके, उसके अलावा कुछ बना नहीं है। क्षेत्र के विधायक MP वगैरह कुछ नहीं हुआ। जो गिरिडीह रोड पास हुआ जो धाम मधुबन तक, वो चीज से हमने जाँच करवाई DC साहब से, तो बोला कि ना +2 में टेसाफुली है जो अभी जो लगल है रोड धावाटांड से, उसमें कुछ निर्णय नहीं मिला। कितना आवेदन किए उससे भी कुछ परवाह नहीं पड़ा। हम लोग मैदान को देखने आए हैं, स्टॉल जहाँ पर बनना है, मेला जहाँ लगना है, इसी के संदर्भ में हम लोग आए हैं। टेसाफुली में लगना है इसी मैदान में, जिसमें हम लोग अभी फिर से 18 मार्च को लगना है। जनपद आगरा और जनपद मथुरा के बॉर्डर पर बलदेव थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे पर एक दर्दनाक हादसा हो गया। यमुना एक्सप्रेसवे पर आगे चल रहे ट्रैक्टर से टकराने के बाद मोटरसाइकिल सवार दंपति की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक अभिजीत सोनी अपनी विदेशी पत्नी ऋचा सोनी के साथ शादी रजिस्टर्ड कराने के लिए दिल्ली गए हुए थे। जब दंपति दिल्ली से आगरा की ओर लौट रहे थे, तभी आगरा की ओर 131 माइलस्टोन पर यह सड़क हादसा हुआ। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ये मेरे को नहीं पता, मेरे को तो सीन पे, मैं जैसी हमको सूचना मिली हम सीन पे पहुंचे, तो वहाँ पे ये दो पेशेंट थे, वो तो ऑलरेडी डेड थे। इनको हमने जैसे वो भी ये भी डेडी थे वहाँ पे, तो वहाँ पे पब्लिक आ गई थी, उन्होंने इनको ले जाओ, वो तो उनका पैर कटा हुआ था तो उनको वहीं पे छोड़ दिया। ये 2-व्हीलर में थे शायद, इनका हेलमेट लगा हुआ था। ये आ रहे थे आगरा की तरफ, ये देखने में तो अंग्रेजी लग रहे हैं। ये पता नहीं ट्रक आगे ट्रैक्टर था खड़ा, तो ये ट्रैक्टर से टकरा गया। दो लोग थे, ये दोनों लोग एक्सपायर हैं। बिहार में शराबबंदी के बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गृह जिला नालंदा के बापू उच्च विद्यालय चंडी मैदान में पहली बार अनोखी होली मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारे के साथ साथ लोगों के बीच आम, अमरूद, सगवान के पौधों का वितरण किया गया। होली मिलन समारोह कार्यक्रम के दौरान आयोजकों द्वारा रंग, अबीर, गुलाल खेलने के साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। इस दौरान महागठबंधन के कई नेताओं ने भाग लिया। होली मिलन का एक विशेष खास करके और मकसद हम लोग दिए हैं कि जो पर्यावरण हम लोगों को धीरे धीरे पेड़ का कटिंग हो रहा है, उसको संरक्षण के लिए पौधारोपण का भी कार्यक्रम हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। होली मिलन समारोह से हम लोग पौधारोपण का शुरुआत किए हैं और पेड़ लगाओ जीवन बचाओ के एक नारा के साथ हम लोग इस कारमा को हर पंचायत पर
लेने का संकल्प और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ इसके लिए भी हम लोग जागरूक लोक समाज को कर रहे हैं। राजस्थान के जिला कलेक्टर ने बिजौलिया पुलिस थाने का निरीक्षण किया, रिकॉर्ड का भौतिक सत्यापन किया और लंबित प्रकरणों की जानकारी ली। साथ ही थाने में आयोजित सीएलजी बैठक में भी शिरकत की। सीएलजी सदस्यों से मुखातिब होते हुए डीएसपी ने त्योहारों पर आपसी सौहार्द कायम रखने, कानून व्यवस्था बनाए रखने और युवाओं को पुलिस से जोड़ने की अपील की। बैठक में उपखंड अधिकारी, थाना प्रभारी समेत कई सीएलजी सदस्य मौजूद रहे। ताज नगरी आगरा, जिसको प्यार और मोहब्बत की नगरी कहा जाता है, वहीं चंद लोग पैसों के लालच के कारण दो बेजुबान जानवरों को लड़ाते हुए नजर आए। आगरा अंबेडकर पुल थाना छत्ता यमुना नदी के किनारे वहीं के कुछ स्थानीय निवासी दो बेजुबान जानवरों को सिर्फ शर्त और पैसों के लिए लड़ाते हुए नजर आए और वहां खड़े कुछ लोग मजे लेते हुए नजर आए। जिस जगह पर यह सारा वाकया हो रहा था वहां सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार जानवरों का प्रवेश निषेध है, लेकिन फिर भी अधिकारियों की अनदेखी के कारण ये सब आए दिन होता रहता है। 17वीं विधानसभा के नतीजे आने में कुछ घंटे का समय बाकी है। ऐसे में ताज नगरी आगरा में विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी की जीत को लेकर सपाइयों ने न्यू आगरा थाना क्षेत्र में अबू लाला की दरगाह में जीत के लिए चादरपोशी की। वहीं जीत को लेकर उत्साहित दिखे। सपाइयों का कहना था कि कुछ घंटों बाद नतीजे आने वाले हैं जिसमें प्रदेश सरकार को सबसे ज्यादा सीटें मिलेंगी। और आज समाजवादी पार्टी के साथी सब मिलकर यहाँ दुआ के लिए हाजिर हुए हैं। इंशाल्लाह परसों एक खुशी की लहर आएगी और हम लोग दुआ करते हैं कि माननीय अखिलेश यादव जी की ताजपोशी हो जाए जल्द से जल्द। 11 तारीख को ये अमन का पैगाम माननीय अखिलेश यादव जी फिर से झंडा फहराएंगे और इस उत्तर प्रदेश की गद्दी पे काबिज होंगे, ऐसी इल्तिजा यहाँ की गई है। आज अबू लाला दरगाह पर आकर हम सभी लोगों ने यहाँ पे माननीय मुख्यमंत्री जी के लिए दुआएं मांगी हैं कि दोबारा से उनको ऊपर वाला फिर मुख्यमंत्री बनाए और आने वाला टाइम भी उन्हीं का है क्योंकि उन्होंने जो विकास करके दिखाया, मैं नहीं समझता कि किसी भी युवा मुख्यमंत्री ने इतना विकास करके दिखाया है। तो इंशाल्लाह ताला हमारी दुआ ज़ाया नहीं जाएगी, खाली नहीं जाएगी। हमने जहाँ पे जो मांगा है वो फिर दोबारा यूपी के किंग बन के सामने आएंगे। झारखंड में लिट्टीपाड़ा उपचुनाव की घोषणा होते ही राजनीतिक हलचल तेज हो चुकी है। कांग्रेस ने भी अपना स्टैंड स्पष्ट कर दिया है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष और लोहरदगा विधायक ने कहा कि पार्टी यहां से चुनाव लड़ेगी और बेहतर प्रत्याशी का चयन करेगी। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष सुखदेव भगत ने मुख्यमंत्री रघुवर दास द्वारा सीएनटी एक्सपीटी एक्ट को लेकर दिए गए उस बयान की भी निंदा की है। हम लोगों ने सारे फीडबैक वहां से लिया है और ये हम लोग जरूर प्रयास कर रहे हैं कि एक बेहतर कैंडिडेट जो हो और उसकी ज़मीनी पकड़ क्या है, इसके लिए सारी रिपोर्टें हमने मांगी है। और फिर हमारे जो संथाल पढ़ा का सीनियर लीडर है, सीएलपी साहब हैं, चाहे हमारे फुरकान अंसारी जी हो, वो सारे लोग से एक फीडबैक लेने के बाद हम लोग ये जरूर प्रयास करेंगे कि जो अच्छा कैंडिडेट हो वो हम लोग वहाँ पर कैंडिडेट उतारें। हम लोग इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता हूँ, लेकिन फिर भी एक अजीब सा लगता है और जनता के आंखों में लगता है धूल झोंकने वाली बातें होती हैं कि दोनों साथ नहीं चलती है। अब सत्ता के साथ भी रहेंगे और जिन निर्णयों में आप साथ आपने दिया है और उसके साथ बाद में बाहर आपके विरोध करते हैं, तो ये बड़ा अजीब सा लगता है कि लोगों को लग रहा है कि उनके आंखों में हम धूल झोंक रहे हैं। और अभी जो भारतीय जनता पार्टी ने, उनकी सरकार ने जो संशोधन लाए हैं, और मैं तो कहूँगा आजसू भी उसमें जो संशोधन लाई भारतीय जनता पार्टी, आजसू की सरकार, उन्होंने जो संशोधन लाया है वो पूरे आदिवासी जमीन को छीनने के लिए उसमें बहुत बड़ा होल बना दिया इन्होंने। और इसलिए इसको संशोधन ना कहें, इसे मैं समझता हूँ लूटने का संशोधन नहीं किया, लूटने का मार्ग इन्होंने प्रशस्त किया है। गिरिडीह हजारीबाग जिले की सीमा पर स्थित गोरहर प्रखंड के भैयाडी गांव निवासी मजदूर सोना महतो के मलेशिया में ट्रांसमिशन लाइन में काम करने के दौरान मौत हो जाने की सूचना पर बगोदर के पूर्व विधायक विनोद कुमार सिंह आज भैयाडीह गांव पहुंचे और मृतक सोना महतो के परिजन और गांव वालों से मुलाकात की और दुख की घड़ी में पीड़ित परिवार को ढांढस बंधाया। श्री सिंह ने पीड़ित परिवार को हर संभव मदद का भरोसा दिलाया। एक बार फिर बरकट्ठा के गोरहर के नौजवान सोना महतो की मौत जो है मलेशिया में काम करते हुए ट्रांसमिशन लाइन में हो गई और ये पहली नहीं, लगातार बगोदर हो, बरकट्ठा हो, बिशनगढ़ हो, यहाँ के नौजवानों को झेलना पड़ रहा है।
इन घटना के बावजूद भी कंपनी के लोगों और परिवारों से जो अभी तक बात हुई है, अभी तक मुआवजे की कोई बात नहीं हो पाई है। हम सरकार से इससे मांग करेंगे कि तत्काल इस घटना पे हस्तक्षेप करे और पीड़ित परिवार को मुआवजा दिलाने की गारंटी। पुलिस अक्सर अपनी जान जोखिम में डालकर वर्दी की लाज रखते हुए अपना फर्ज भी निभाती है, इसमें कोई दो राय नहीं, मगर कुछ पुलिस वालों की वजह से पुलिस की छवि बदनाम होती है। ठीक इसी उदाहरण को पेश करते हुए अपनी वर्दी की लाज रखते हुए बिहार के दरभंगा में एक वर्दी वाले दरोगा ने पुलिस का फर्ज निभाते हुए अपने बेटे को शराब के कारोबार करने के कारण जेल भेजने से परहेज नहीं किया। दरअसल पूरा मामला विश्वविद्यालय थाना अंतर्गत कटहल बारी मोहल्ले का है, जहां के इंद्रजीत नाम के एक युवक 25 बोतल विदेशी शराब के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गया और पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। इंद्रजीत एक दरोगा का बेटा है और दरोगा जी को अपने बेटे का यह शराब का कारोबार पसंद नहीं आया। जैसे ही बेटे ने शराब के धंधे में पांव रखा और शराब की कुछ बोतल होली में मोटी कमाई के लिए लाया, तो दरोगा बाप ने इसकी जानकारी तुरंत स्थानीय थाने के साथ पुलिस के वरीय अधिकारी को दे दी। पुलिस ने तत्काल छापेमारी की और इंद्रजीत को 25 बोतल शराब के साथ रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। वही गिरफ्तार इंद्रजीत की माने तो वह अध्ययनरत छात्र है और पहली बार शराब के धंधे में हाथ डाला था। वहीं दरभंगा के एएसपी दिलनवाज अहमद ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि पुलिस पिता ने वर्दी का फर्ज निभाया और पुलिस को सहयोग कर अपने बेटे को शराब बेचने के कारण कानून के हवाले करवाया। पहली बार ये एक आदमी आया था हमको देने के लिए, तो वो यहाँ विश्वविद्यालय थाना में इन्फॉर्मेशन दे करके करवाया गया। पापा आपके क्या करवा पढ़ाई करते हैं ये स्टेशन घूमती के पास। कितना बोतल शराब थी आपके पास? 25 बोतल हमको दे दिया था। इंद्रजीत कुमार ये पुलिस वाले का बेटा है और इसके पिता के द्वारा ही शराब की सूचना पर पुलिस को सहयोग करके इसकी गिरफ्तारी करवाई गई। नहीं अभी तक जो इसका कहना है कि पहली बार कोई बाहर समस्तीपुर का एक आदमी दे गया था इसको, लेकिन ये जैसे ही इसके पापा पिता को सूचना मिली इनके द्वारा तुरंत ये इंस्पेक्टर विश्वविद्यालय थाना के थाना अध्यक्ष को सूचना दी गई थी और उसके आधार पर इसकी गिरफ्तारी हुई और शराब बरामद की गई। जेएमएम नेता रूपलाल चौधरी के घर मंगलवार को हुई डकैती मामले में अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी दीपक कुमार शर्मा ने आज बरैबारी स्थित रूपलाल चौधरी के आवास पहुंचकर जांच पड़ताल की। इस दौरान डीएसपी श्री शर्मा ने पड़ोसियों परिजनों समेत घर के छोटे छोटे बच्चों से भी बातचीत की और घटना के संबंध में जानकारी ली। एसडीपीओ ने कहा कि मामले का जल्द ही उद्भेदन कर लिया जाएगा। बता दें कि मंगलवार की रात जेएमएम नेता रूपलाल चौधरी के घर 6 नकाबपोश अपराधियों ने परिजनों को कब्जे में लेकर 40,000 रुपए नगद सहित 70,000 के सामान लूट ले गए थे। कल रात बगोदर थाना क्षेत्र के नावाडी में एक लूट की सूचना हुई थी, जिसके संबंध में रूपलाल चौधरी के द्वारा एक थाने में कंप्लेन दर्ज कराया गया था कि रात में कुछ अपराधियों के द्वारा उनके घर पर जबरन चाकू की नोक पे लूट और डाका डालने का प्रयास किया गया है। तो इस संबंध में ही प्राथमिकी दर्ज हुई थी और मैंने आज खुद घटनास्थल का निरीक्षण किया है, लोगों का बयान लिया है और घटना सत्य पाई गई है। और इस संबंध में जो भी इस क्षेत्र में अगर लोग इस तरह से सक्रिय हैं जो इस तरह के घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस की गश्ती हम लोग काफ़ी तेज़ी से बढ़ाएंगे और शीघ्र ही घटना का उद्भेदन करेंगे कि किन लोगों के द्वारा ऐसी घटना को अंजाम दिया। INI न्यूज़ में फिलहाल इतना ही। देश और प्रदेश की तमाम खबरों को जानने के लिए आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।